जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 में वरुथिनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में और जानेंगे पारण समय के बारे में, वरुथिनी एकादशी व्रत कथा के बारे में। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को वरुथिनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। लक्ष्मी नारायण आप सभी के इच्छाओं को पूर्ण करें। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह 11 का व्रत व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ वैशाख माह कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। यह सौभाग्य प्रदान करने वाली इस व्रत में भगवान विष्णु के वाराह अवतार की पूजा की जाती है। यह एकादशी का व्रत भक्तों की हर कष्ट और संकटों से रक्षा करता है, इसलिए इसे वरुथिनी 11 या वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। वरुथिनी एकादशी व्रत को करने से दुखी व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है। राजा के लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। इस व्रत का फल सूर्य ग्रहण के समय दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल इस व्रत को करने से प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से मनुष्य लोक और परलोक दोनों में सुख को पाता है और अंत समय में स्वर्ग को प्राप्त करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को हाथी के दान और भूमि के दान करने से अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सभी दानों में सबसे उत्तम तिलों का दान कहा गया है। तिल दान से श्रेष्ठ स्वर्ण दान कहा गया है और स्वर्ण दान से भी अधिक शुभ इस एकादशी व्रत को करने के उपरांत जो फल प्राप्त होता है वह कहा गया है। एकादशी का व्रत व्यक्ति के सभी पाप और ताप को नष्ट कर देता है। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तब उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का इस दिन भर उपवास रहते हुए पूजन करना चाहिए। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस व्रत के लिए दशमी के दिन से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक आहार एक समय ग्रहण करना चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके बाद फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, हे वाराह भगवान, आज मैं आपके वरुथिनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी कामना हो, जो भी इच्छा हो, वह प्रभु से कहनी चाहिए। दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। अगर उपवास ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करें और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या कोटोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूजन करें। रात्रि में एकादशी के व्रत में भजन कीर्तन करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। जहाँ तक हो सके जागरण करना चाहिए और अगले दिन जा करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर ले, आरती कर ले। उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन कराए। उसके बाद फिर व्रत का पारण समय के अनुसार करे। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी के व्रत में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि एकादशी के व्रत में चावल इस दिन बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है एकादशी के दिन चावल ग्रहण करने से रेंगने वाली जीवों के रूप में जन्म लेना पड़ता है। एकादशी के व्रत को उपवास रहते हुए करना चाहिए। उपवास ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़नी चाहिए। भगवान विष्णु के पूजन में तुलसी दल का बड़ा ही विशेष महत्व होता है।
भगवान विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय है, तो इस दिन भगवान के पूजन के लिए तुलसी दल जो कि एकादशी से पहले ही तोड़कर रख लेनी चाहिए और फिर एकादशी के दिन भगवान को अवश्य तुलसी दल अर्पित करना चाहिए और उन्हें भोग भी तुलसी दल डालकर लगानी चाहिए। एकादशी के दिन इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दिन मांस मदिरा लहसुन प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जहां तक हो सके धर्म का आचरण करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी के प्रति अपने मन में ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ पर भी महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्त्री लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है, इसलिए कभी भी महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों का जप करना चाहिए। श्री विष्णुवे नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः इन मंत्रों का जप करना चाहिए और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ सच्ची श्रद्धा भक्ति भाव नियम और निष्ठा के साथ पूजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के व्रत में मन में व्रत के लिए संशय बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मन में व्रत के लिए अगर अश्रद्धा हो तो उस व्रत को नहीं करना चाहिए। अश्रद्धा रखते हुए अगर आप व्रत को करते हैं तो वह व्रत निष्फल ही माना जाता है, इसलिए प्रभु पे विश्वास करते हुए इस व्रत को करना चाहिए। तो आइए जानते हैं वैशाख माह कृष्ण पक्ष में वरुथिनी एकादशी का व्रत वर्ष 2022 में कब किया जा रहा है, तो जानेंगे इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 25 अप्रैल 2022 दिन सोमवार रात्रि 1:39 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 26 अप्रैल 2022 दिन मंगलवार रात्रि 12:49। तो हमें जो सूर्योदय व्यापनी जो समय प्राप्त हो रहा है वह शुद्ध रूप से 26 अप्रैल 2022 दिन मंगलवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को किया जाएगा। 26 अप्रैल 2022 दिन मंगलवार को एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इस व्रत का पारण जो कि अगले दिन जाकर के 27 अप्रैल 2022 दिन बुधवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार वरुथिनी एकादशी व्रत का पारण जो कि कुशोद केन पारणम यानी कि कुशा के जल से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह अगर संभव ना हो तो तुलसी दल से या फल से व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी के दिन जो कि राहु काल का समय होगा वह समय 2:03 से 4:41 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए या लाभप्रद नहीं होता है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त होगा जो कि 11:21 से 12:13 तक। सूर्योदय समय 5:17 और सूर्यास्त 6:18। एकादशी के दिन सूर्य मेष राशि में रहेंगे और चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे। नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र 4:56 तक, उसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। योग एकादशी तिथि के दिन जो कि ब्रह्मा योग 7:06 तक, उसके बाद फिर इंद्र योग। तो आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत के पूजन विधि के बारे में। एकादशी के व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का इस दिन पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या कोटसोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। एकादशी व्रत पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगाएं। चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछा करके वहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का फोटो या प्रतिमा रखे। इस दिन वरुथिनी एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु के वाराह अवतार का पूजन किया जाता है। तो वाराह भगवान का फोटो या प्रतिमा रख करके इनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। भगवान को इस दिन इनका जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल भगवान को अर्पित करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें, उसके बाद फिर इन्हें वस्त्र अर्पित करें, पीला वस्त्र या पीताम्बरी वस्त्र भगवान को अर्पित करें, उसके बाद फिर यज्ञोपवीत भगवान को अर्पित करें, उसके बाद भगवान को तिल चढ़ाएं और यज्ञ चढ़ाएं, तुलसी दल चढ़ाएं। यह ध्यान रखें कि भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, तो इस बात का हमेशा ही ध्यान रखें। तो भगवान विष्णु को तिल चढ़ाएं, उन्हें यज्ञ चढ़ाएं, भगवान को तुलसी दल अति प्रिय है तो उन्हें तुलसी दल चढ़ाएं, भगवान को पीला चंदन अति प्रिय है तो उन्हें पीला चंदन चढ़ाएं, रोली चंदन लाल चंदन भी चढ़ा सकते हैं। भगवान विष्णु को पीला पुष्प अति प्रिय है तो उन्हें पीला पुष्प अर्पित करें, कमल का पुष्प अगर मिल सके तो कमल का पुष्प भगवान को अर्पित करें, उसके बाद पुष्पों की माला भगवान को अर्पित करें,
फिर भगवान को धूप दिखाएं, दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान विष्णु को अर्पित करें। नैवेद्य जैसे कि दूध से बने हुए मिठाई का भगवान को भोग लगाएं, जितने भी प्रकार के ऋतु फल होते हैं केला सेब संतरा आदि भगवान को अर्पित करें। जहाँ तक हो सके भगवान को अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करें। उसके बाद फिर द्रव्य और दक्षिणा भगवान को चढ़ाएं। उसके बाद पुंगी फल तांबूल लौंग इलायची के साथ में अर्पित करें। पुंगी फल सुपारी को कहा जाता है और तांबूल पान पत्र को कहा जाता है। तो भगवान को पुंगी फल तांबूल लौंग इलायची के साथ में अर्पित करें। उसके बाद फिर माता लक्ष्मी का इसी प्रकार से पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। माता का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। फिर माता को लाल वस्त्र अर्पित करें। उसके बाद माता लक्ष्मी को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। फिर अक्षत चंदन पुष्प पुष्पों की माला माता को अर्पित करें। महिलाएं माता लक्ष्मी को सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष माता लक्ष्मी को चंदन कुमकुम अर्पित करें। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य प्रसाद माता लक्ष्मी को अर्पित करें, श्रीफल आदि माता लक्ष्मी को चढ़ाएं। उसके बाद द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल अर्पित करें। उसके बाद फिर वरुथिनी एकादशी व्रत का कथा श्रवण करें। उसके बाद फिर आरती करें। इसी प्रकार से भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। रात्रि में जागरण करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए, प्रभु नाम का चिंतन करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और अगले दिन जा करके ब्राह्मण भोजन करा करके उन्हें द्रव्य दक्षिणा दे करके उसके बाद फिर व्रत का पारण करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती। तो आइए सुनते हैं वरुथिनी एकादशी की कथा। अगर आप एकादशी व्रत कथा के लिए अन्नदान वस्त्रदान आदि के लिए ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जा करके वहां से गूगल पे फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं वरुथिनी एकादशी की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, वाराह भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है कि प्राचीन समय में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक एक राजा रहते थे। राजकाज करते हुए भी वह अत्यंत दानशील और तपस्वी थे। एक दिन जब वह तपस्या कर रहे थे उसी समय एक जंगली भालू आकर उनका पैर चबाने लगा। थोड़ी देर बाद वह राजा को घसीट कर वन में ले गया। तब राजा ने घबराकर तपस्या धर्म के अनुसार क्रोध न करके भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की। भक्त जनों की बात शीघ्र सुनने वाले भगवान श्री हरि विष्णु वहां तत्क्षण प्रकट हो गए तथा भालू को चक्र से मार डाला। राजा का पैर भालू खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल था। विष्णु जी ने उसको दुखी देखकर कहा कि हे वत्स, मथुरा में जाकर तुम मेरी वाराह अवतार मूर्ति की पूजा वरुथिनी एकादशी का व्रत करके करो। इसके प्रभाव से तुम पुनः अंगों वाले हो जाओगे। भालू ने तुम्हारा जो अंग काटा है वह अंग भी ठीक हो जाएगा। यह तुम्हारा पैर पूर्व जन्म के अपराध के कारण हुआ है। राजा ने इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ किया और फिर वह सुंदर अंगों वाला हो गया। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ वरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु उनके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।